मुझको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, किसका पढ़ रहा हूं, किसने लिखा है, क्या लिखा है। तो अच्छी तरह से पढ़ने से समझ में आता, आधे आगे पीछे आधा घड़ा ना आवाज करता, फुल घड़ा भरा हुआ आवाज करेगा। तो ज्ञान आगे से पीछे, कभी कभी इधर आप कभी कभी आते हो, कभी भाई आज ही मुरली इधर आके बैठेंगे तो मुरली, अरे ये ब्रह्मा कुमारी क्या बोलते हैं, ऐसा लिखे उनको पता ही नहीं। तब बाबा ने नियम बनाया, जब तक 7 दिन का कोर्स पूरा नहीं सुना तब तक इस सभा में नहीं बैठ सकते हो, इंद्र सभा है। क्योंकि ये ज्ञान आत्माओं के लिए, शरीर के लिए नहीं है। अगर शरीर के भाव में रहते हो आप तो ये ज्ञान आपके अंदर जाएगा नहीं, तब इंद्र सभा में कौन बैठ सकता है। एक परी मनुष्य को लेके गई इंद्र सभा में, बदबू आने लगी है ना। तो यहां पवित्र देवताएं बैठते हैं, पवित्र आत्मा है, रूहानी सभा है, ये जिस्मानी सभा नहीं है ना। जिस्मानी सभा वो है जहां ज्ञान की चर्चा होती है, यहां अनुभव की लेन देन होती है ना। इसलिए बाबा ने नियम बनाया, पहले किसी को अंदर लाते हो इस सभा में तो 7 दिन का फिर उनको कोर्स करा, पूरा ज्ञान सुना, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, आत्मा कहां से आई, परमात्मा कहां से आया, कितने जन्म लेते हो, इस सारा ज्ञान सुनाने के बाद समझ में आया तो कॉलेज में परमिशन एडमिशन मिलता है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अगर सुना नहीं ऐसे जाके साइंस कॉलेज में बैठो पता चलेगा, कॉमर्स कॉलेज में जाके बैठने क्या पढ़ा रहे पता ही नहीं है, तो पहले परमिशन लेना है ना। तब कहा ज्ञान की पूरी आदि मध्य अंत ज्ञान चाहिए, तब ये आध्यात्मिक ज्ञान है।